यूटीआई के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं, हमने गोखरू का पानी पिला करके यूटीआई की प्रॉब्लम, जिनको एक ड्रॉप भी यूरिन ठीक से नहीं होता, तड़पती बिलकती महिलाओं को बहुत यूटीआई होता है, और जेंट्स को भी हो जाता है किसी किसी, और इसकी कि कोई दवाई नहीं है। मैं कभी ज्यादा बोलता नहीं हूं, लता मंगेशकर जी को भी यूटीआई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मुझसे बात करती रहती थी, और लगभग 15 साल तक हमने उनको ठीक रखा आयुर्वेद की औषधियों के द्वारा ही। हमारी एक योग शिक्षिका बहन को मैं उनके पास में योग कराने के लिए भेजता, और उनको फिर ये गोखरू वाला प्रयोग बहुत देर में मेरे सामने आया। अब आयुर्वेद में खाली इतना लिखा हुआ था कि गोक्षुर जो है वो मूत्र रोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें यूटीआई तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं अनुसंधान के संदर्भ में, ये अपनी कई बार ना अपनी बड़ाई जैसे लगती है, आत्मश्लाघा जैसे लगती है, इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूं। कौन सा रोग किस बीमारी से ठीक होगा, ये पूरा कोई ऐसे लाइने लिखी हुई नहीं है शास्त्र में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, बाघ भट्ट ने अष्टांग हृदय में, कहीं इधर उधर कोई अथर्व वेद में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये रोग से ये बीमारी ठीक होती। शास्त्रों में संकेत और सूत्र रूप में बातें कही है। तो फिर जब हमारे सामने को रोगी आता है, तब भगवान हमारे अंतःकरण में, हमारे मस्तिष्क में प्रेरणा देता है, बेटा इस रोगी को ये बता दे और ये ठीक हो जाएगा, मैं वो बताता हूं वो ठीक हो जाता है। ये ऐसा रिसर्च का सिलसिला शुरू हुआ।